अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीजी वीएम पे अपना सीट या फैतिन चैलेंज तरह दे दैट वन इज मनी बॉस वन। अगर इस वीएम की हम बात करें तो ये वीएम एक लिनक्स बेस्ड वीएम है एंड हैतिन डिफिकल्टी इसमें इजी और बिगिनर है एंड जो हमारा गोल है इसमें वो है 3 फ्लैश कैप्चर करना इसे हैक करते। अब देख रहे हैं हमने मनी बॉस वन तो वर्चुअल बॉस में इंपोर्ट करते स्टार्ट कर दिया है। अगर आप वीएम यूज कर रहे हैं तो आप सेम वीएम में इसे इंपोर्ट करते स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हम अपने ताल इनस में इंटर कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ताल इनस की आईपी फाइंड करें दे आईपी DDR। सो हमें यहाँ हमारे तालिन्स की आईपी मिलती है। सो हम इसे नोट डाउन डाल लेते हैं। तो देखिए अब हमें टारगेट की आईपी फाइंड करनी होगी। सो देखिए जैसे कि हमारा टारगेट सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसमें हमारे तालिन्स कनेक्टेड है। सो हम एक टूल जिसका नाम है नेट डिस्टर्बर उसकी मदद से अपने टारगेट की आईपी फाइंड करे दे -r। अब -r लिखने के बाद हम इसे थोड़ा फास्ट करने दे रहे अपने डिफॉल्ट गेटवे की आईपी भी टाइप दे रहे। अब देखिए मेरे केस में ये 192.168.8.10 है। अगर आप लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होता, आपके केस में .192.168.0.1 या फिर .10.1 भी हो सकता है, लेकिन मेरे तेज में अब 8.1 है। बेसिकली जो आपने राउटर की आईपी है वो आपने लिखनी है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश /24 टाइप करते इंटरप्रेस कर देना है। इससे हो जाते हैं हमारे राउटर से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनकी हमें आईपी मिल जाएगी। और यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया, हम इसे कंट्रोल सी दबाते स्टॉप कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे फिलहाल राउटर से सिर्फ 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है। फर्स्ट वन इज अवर राउटर एंड सेकंड वन इज अवर टारगेट आईपी। सो हम सबसे पहले इस आईपी पे पिन कमांड ट्राई करते हैं कि हम पिन कर पा रहे हैं या नहीं। और हम याद रहे तो हमें पिन कमांड जो सक्सेसफुली हो रही है, इसका मतलब हम अपने टारगेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो हम अपने टारगेट की आईपी तो भी नोट डाउन डाल लेते हैं। तब हम अपने टारगेट पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करे दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एन मैप की मदद से ये पता लगाए दे कि हमारे टारगेट मशीन पे कौन सी सर्विसेज रन हो रही है और कौन सी पोर्ट्स ओपन है। इस तरह हम लिखे दे सूटो एन मैप लिखने के बाद हम आर्गुमेंट दे दे -s and capital V टू फाइंड एंड -p- टू फाइंड ऑल द पोर्ट्स ओपन इन अवर टारगेट आईपी एंड अपने टारगेट की आईपी लिख दे दिया, इंटरप्रेस कर दे। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया और यहाँ हम देख पा रहे थे हमारे पास 3 पोर्ट्स ओपन है। फर्स्ट वन इज 21 विच इज FTP और यहाँ हमें लगता है कि ये FTP एनोनमस अलाउ होएगा, हम आदि इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड पोर्ट हमारी 22 ओपन है जो SSH तेरे यूज होती है और यहाँ ओपन SSH 7.9th वर्जन यूज हो रहा है। और उसके बाद एक पोर्ट 80 भी ओपन है जिसमें HTTP अपाचे वेब सर्वर रन हो रहा है। सो दैट मीन आवर टारगेट ऑल्सो हैव अ वेबसाइट रनिंग ऑन इट। सो सबसे पहले हम इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेट की आईपी अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं क्योंकि एज अ वेब सर्वर भी रन हो रहा है तो हमें वेबसाइट मिलनी चाहिए। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास सिंपल टेस्ट लिखा है, हाय एवरीवन वेलकम टू मनी बॉस। हमें यहाँ तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम इसका सोर्स कोड चेक करते हैं कंट्रोल यू दबाते फायरफॉक्स में। अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हम तो कॉमन पेजेस फॉर एग्जांपल robots.txt जो ट्राई करते हैं नोट फाउंड। अब हम जो अगला स्टेप करें दैट वन इज टू फाइंड हिडन डायरेक्टरी यूजिंग निट्टो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्लियर कर देते हैं। कमांड विच वी यूज इज -n एंड वी टाइप आवर टारगेट आईपी विच इज 192.168.8.57 वी प्रेस इंटर। यहाँ निट्टो स्टैंड काफ़ी टाइम लगा रहा है सो इसका मतलब हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो हम इस अटैप को स्टॉप कर देते हैं। सो देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वन इज टू ब्रूट फोर्स डायरेक्टली यूजिंग डरबस्टर। सो हम इस तरह अपना डरबस्टर ओपन करे दे, सिंपल हम टाइप करे दे डरबस्टर। तो हम इसे दुई यानी दे ग्राफिकल इंटरफेस में यूज करना चाह रहे हैं, आप चाहे तो तमाम लाइन में भी यूज कर सकते हैं। होते सो हमारे सामने डरबस्टर ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टारगेट में अपने टारगेट की आईपी टाइप करे दे HTTP
टॉलर फॉरवर्ड है ये लाजमी टाइप करना है हमने, एंड वी टाइप अवर टारगेट आईपी। इसके बाद यहाँ से हम नंबर ऑफ ट्रेस तो थोड़ा सा बढ़ाकर मे बी 38 तक लेते हैं। उसके बाद हम अपने वर्ड लिस्ट तो फाइंड करेंगे विच इज़ यूज़र, एंड यहाँ से हम मीडियम वर्ड लिस्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अपना टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर हम यहाँ रिजल्ट में जाए तो हमें यहाँ एक डायरेक्टरी मिली है ब्लॉस, तो हम इसे ट्राई करते हैं तो हमें इतना रिजल्ट मिलता है। सो हमें यहाँ एक और मैसेज आ रहा है, आई एम टॉम हैथर, ओके आई ऑलरेडी हैड दिस बॉस एंड इन्फॉर्म बट दे डिड नॉट डू एनी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट हिंट फॉर नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ किसी ने इस वेबसाइट तो ऑलरेडी हैक किया है और उसने ये भी कहा है कि मैंने जो हैक किया था जिस तरीके से हैक किया था जो वल्नरेबिलिटीज तो यूज करते वो अभी तक सिक्योरिटी टीम ने अप्लाई नहीं की। सो इसका मतलब हम उसी तरह हैक कर सकते हैं। यहाँ में एक और हिंट मिल रहा है अगले स्टेप के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डर बस्टर जो इसे स्टॉप कर देते हैं। सो मुझे नहीं लगता हमें और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो भी और डायरेक्टिव मिलेगी, जो हमें मिलनी थी वो रिजल्ट मिलते। सो हम सबसे पहले इस पेज का सोर्स तोड़ चाहते तंत्रो युद्ध बात है। सो सोर्स तोड़ में देखते हमारे पास वो एट द मिनट। सो देखिए यहाँ एंड पे हमें एक लाइन लिखी हुई मिली है, द हिंट इज द अनदर सीक्रेट डायरेक्टरी, एंड हमारे पास तो ये टाइप्स है सीक्रेट हाइफन टेस्ट। सो ये मे बी डायरेक्टरी हो सकती है क्योंकि यहाँ लिखा है सीक्रेट डायरेक्टरी। सो ये डायरेक्टरी का नाम हो सकते, हम इसे ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ सिंपली ब्लॉक तो हटाते ये टाइप कर देते, देयर इज नथिंग इन दिस पेज, ये ऐसे हो सकता है तो ना तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सोर्स तोड़ चेक करते हैं, हमें ती मिलती लेती नहीं है, ती तीस चीज थी है ये हमें नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ती तो टोपी तार लेते हैं सीतरे ती, ये हमारी फर्स्ट ती तो नहीं हो सकती। अगर फर्स्ट ती हमारी होती मीनिंग हमारा फर्स्ट फ्लैश होता तो यहाँ फ्लैश देखा होता, मे बी हम इसे टोपी तलते और अपना आधे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है ये किसी चीज़ का पासवर्ड हो, किसी यूजर का भी पासवर्ड हो सकता है। तो हमारे पास ब्लैंक पेज, हम ब्लैंक पेज में अब त्यों से टैप करें। सो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर हम देखें तो हमने पोर्ट 80 में जितना काम करना था वो कर लिया। अब बारी आती है FTP की। सो देखिए यहाँ जो FTP यूज हो रहा है वो मुझे लगता है एनोनमस लॉगिन अलाउ करता है। बेस्तरी अदर FTP में अनोनमस लॉगिन अलाउ होता है। सो हम बिना पासवर्ड के सिर्फ अनोनमस यूजर नेम की मदद से उस FTP के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सर्वर से। सो हम इसे ट्राई भी कर लेते हैं। तो सिंपल हम लिखे थे FTP एंड वी टाइप अवर टारगेट IP विच इज 192.168, आप तो तेज में चेंज भी हो सकती है। इंटर प्रेस कर दे नेम ये पूछ रहे। सो हम यहाँ सिंपल टाइप कर दे दे अनोनमस, पासवर्ड हम यहाँ ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, एंड यहाँ हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो देखिए बहुत सारे जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या जब भी कोई हम FTP सर्वर रन करते हैं तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि हम उसमें अनोनमस लॉगिन डिसेबल करें। अगर हम अनोनमस लॉगिन अलाउ करते हैं सो सिंपल हम यूजर नेम अनोनमस टाइप करते हैं और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ते हैं FTP सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये एक वल्नरेबिलिटी है जो आज तक मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो ये मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे फिर वो बाद में चलते हैक हो जाते हैं। सो हम जो है FTP के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सो हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और तो ये हमें डायरेक्टिव मिली है जो होते हैं try to find .jpeg। सो हमें यहाँ एक इमेज मिली है try to find और ये jpeg में है। सो ये इमेज है और जिस पर हमें तो यूजर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो हम इसे सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। सो सिंपल हम दैट कर रहे थे और अपनी फाइल का नाम टाइप कर दे। सो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सो हम अब एग्जिट कर लेते हैं FTP सर्वर से। सो हम LS करते हैं, हमारे तरह डायरेक्टरी में सेफ हो चुकी है। सो हम जाते हैं अपने उस डायरेक्टरी में जहाँ हमने सेफ की है होते। सो हम इसे ओपन करते हैं। सो ये हमें तो इमेज ला दी है लेकिन इसमें तो ये भी हमें ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जहाँ से हमें तय सकते थे इसमें हमें तो क्लू है। ये सिंपल एक
दैट है जो ते बैठी हुई है तो लैपटॉप के सामने है द प्लैनेट। सो यहाँ तो हमें कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली इस इमेज में, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इस इमेज से जो है थोड़ा डेटा फाइंड देने की ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटा डेटा फाइंड करे थे, तो हम इसके लिए एक्सिव टूल का यूज़ करे थे। आप इससे सिंपली ऐप डेप्थ करते इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वी टाइप अवर। सो अगर हम यहाँ देखे मेटा डेटा, सो हमें कोई भी यूफन इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही यहाँ, यानी तो इसके मेटा डेटा में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर यहाँ इस फाइल का नाम है ट्राई टू फाइंड, यानी तो इसमें कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर है जो हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सो अब हम जो है स्टेट हाइट की मदद से ट्राई करते हैं, क्योंकि तेज दफा स्टेटोग्राफी भी चेताम करती है। सो इस तरह हम कमांड टाइप दे दें STEG स्ट्रीट हाइट एंड देन हाइफन हाइफन एंड वी टाइप अवर फाइल विच इज ट्राई टू फाइंड, वी प्रेस इंटर। पासवर्ड, यानी हमें पासवर्ड चाहिए इसमें से डेटा तो ट्राई करने थे। देखिए हमें सीक्रेट की मिली है थी, सो कहीं ये थी तो पासवर्ड नहीं है इस इमेज में से डेटा ट्राई करने था। हम यहाँ तो भी पेस्ट करते ट्राई कर लेते हैं और तेज़ तो ये फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है डेटा डॉट टी एस टी। अगर हम ls करें, जी हाँ हमारे इस इमेज में से एक फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है डेटा डॉट टी एस टी। सो हम इसे रीड करते हैं तो इसमें क्या हमें मिलता है। हेलो रेनू, आई टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, योर पासवर्ड इज 2V, सो चेंज योर पासवर्ड, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, हमें एक यूज़र मिला है दैट वन इज रेनू। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यहाँ टाइप कर लेते हैं, हमें एक यूज़र मिला है। सो इसका पासवर्ड भी हमें फाइंड करना होगा। अगर हम इस नोट तो थोड़ा तेज फुली रीड करें, सो हमें ये देखने तो मिलता है कि यहाँ किसी ने रेनू तो मैसेज भेजा है, तो तुम्हारा पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी ये बहुत वीक है। अब ये हिंट क्या तारा है, तो हमारा जो यूज़र रेनू है इसका पासवर्ड बहुत वीक है, मीनिंग तो हमारा जो पासवर्ड है वो हमें वर्ल्ड लिस्ट में मिल सकता है, बेसिक वर्ल्ड लिस्ट में, जैसे तो रोत यू जो वर्ल्ड लिस्ट है बहुत फेमस वर्ल्ड लिस्ट है। सो अदर पासवर्ड वीक है सो उसमें मिलने के चांसेस है। सो अब हमने क्या किया, हमने पोर्ट 80 में जितना काम करना था वो भी कर लिया, पोर्ट 21 में भी जितना काम करना था कर लिया। सो अब हमारे पास जो लास्ट ऐप बचता है दैट वन इज पोर्ट 22 SSL। सो देखिए ऐसा हो सकता है कि जो हमारा टारगेट मशीन है उसमें एक यूज़र है रेनो, और उसका पासवर्ड जो है अगर हम फाइंड कर लेते तो हम टारगेट से SSL के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि रेनू का पासवर्ड वीक है, सो ये हो सकता है कि रेनू का पासवर्ड हमें रोक्यू वर्ल्ड लिस्ट में मिल जाए। सो अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो हम SSL कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट मशीन में SSL इनेबल है, क्योंकि और हमें कोई भी तरीका नहीं नज़र आ रहा, तो वे नहीं मिल रहा, क्योंकि पोर्ट 80 पे जितना काम करना था हमने कर लिया, पोर्ट 21 में भी कर लिया, अब बचा है तो पोर्ट 22। सो चलिए अब हम हाइड्रा की मदद से जो है SSL ट्रेंडी ट्राई करते हैं विद रोक्यू वर्ल्ड लिस्ट। सो इसके लिए हम सिंपली टाइप करे थे sudo HYDR। हाइड्रा बहुत ही पॉपुलर पैतीस है जो लिनक्स में प्री इंस्टॉल हमें मिलता है। सो इसके बाद हम हाइफन एल करे थे और अपना यूज़र स्पेसिफाई करे थे, क्योंकि हमें यूज़र तो पता है विच इज रेनू। सो RENU, इसके बाद हम हाइफन कैपिटल P एंड या अब हम अपने वर्ल्ड लिस्ट तो पाथ दे दे। सो मैंने यहाँ एक यहाँ दे सकते हैं वर्ल्ड लिस्ट मेरे पास है, यहाँ मैंने अपनी वर्ल्ड लिस्ट संभालते रखी हुई है। आप तो रोती हो वर्ल्ड लिस्ट लिनक्स में बाय डिफॉल्ट भी मिल जाती है, आप थोड़ा सर्च करिए तो पता लग जाएगा कहाँ सेफ है। सो ये मेरे पास रोती वर्ल्ड लिस्ट है, सिंपल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करते पाथ यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। पाथ स्पेसिफाई करने के बाद हम टारगेट की IP टाइप करें, यूँ तो हम SSH करने की ट्राई कर लें एंड SSH। सो हम इंटर प्रेस कर दें। सो ये अब हम जानते थे हम इस अटैम्प वैसे तरी तार लेतिया है। देखिए अब हम ने पैती यूज किया जो थे हाइड्रा, अब हमें यूज़र नेम तो पता लेती पासवर्ड नहीं पता, तो ये हाइड्रा त्याग तरेदा जो हमारा टारगेट है उससे इस यूज़र तो SSH करने की ट्राई तरेदा जो हमने वर्ड लिस्ट दी है उससे पासवर्ड तो वन बाय वन ट्राई करते।
और देखिए हमें यहाँ पासवर्ड भी मिल दिया विच इज 987, बहुत ज़्यादा वीक पासवर्ड है। सो अगर आप में से तो ये भी ये पासवर्ड यूज कर रहा है कहीं भी, सो यू आर इडियट। तो उससे हमें पासवर्ड मिल दिया, अब हम सिंपली SSH कर सकते हैं SSH renew@ अपने टारगेट की IP टाइप करेगा एंड इंटर प्रेस कर। सो अब हम जो है अपने टारगेट से कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ हम एक बात दे सकते थे, हम अभी तक हमें तो भी फ्लैश नहीं मिला और हमें टारगेट में 3 फ्लैश कैप्चर करने हैं। सो चलिए अब हम आते हैं बढ़ते हैं। सो अगर हम यहाँ दे सकते तो हमें एक फाइल मिली है user1, सो हम इसे टैड करते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट फ्लैश होना चाहिए। जी हाँ, हमें हमारा फर्स्ट फ्लैश मिल जाए, सो हम इसे यहाँ से टॉपी तल लेते हैं। तो ये हमें हमारा फर्स्ट फ्लैश तो मिल दिया, अब हमें 2 मोर फ्लैश कैप्चर करनी है। सो यहाँ तो यूजर की होम डायरेक्टरी है लिली, हम इसे ट्राई करते हैं। फ्लैश भी मिल रहा है इस फाइल में user.txt, हम इसे भी रीड करते हैं। सो हमें हमारा दूसरा फ्लैश भी मिल गया। अब देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से तय सकता हूँ, हमारा जो थर्ड फ्लैश है वो रूट डायरेक्टरी में है, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लैश फर्स्ट यूजर की होम डायरेक्टरी में मिला, सेकंड यूजर की होम डायरेक्टरी में, एंड थर्ड फ्लैश जो है वो हमारे रूट डायरेक्टरी में ही होना चाहिए। बेशतरी अगर हम रूट करने ट्राई दें तो हमें परमिशन डिनाई आएगा, देखिए, क्योंकि मुझे पता है हमने बहुत सारे CTF कर चुके हैं। सो अब बारी आती है प्रिविलेजेस एस्केलेशन की, यानी कि हमें रूट परमिशन चाहिए और हमें रूट में जाना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं एज अ रेनू यूजर हमारे पास क्या परमिशन है। सो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो एज अ रेनू यूजर हमारे पास कोई भी सूडो परमिशन नहीं है, एंड यहाँ एक और यूजर है लिली। सो हम लिली की होम डायरेक्टरी में देखते हैं हमें और त्यातिया मिलता है। सो देखिए अगर हम लिली की होम डायरेक्टरी में देखें और यहाँ हम अदर हिडन फाइल तो भी शोध करें, सो हमें यहाँ 8 फाइल मिलती है SSH। सो अगर हम इसे देखें क्या ये फाइल है या डायरेक्टरी, सो ये डायरेक्टरी है। सो हम इस हिडन डायरेक्टरी में इंटर करते हैं विच इस SSH, अदर LS करते हैं, सो हमें यहाँ ए ऑथेंटराइज की मिलती है। सो देखिए जैसे थे हम SSH के जरिए ऑलरेडी अपने टारगेट से कनेक्ट हुए हैं और एज अ हम रेनू यूजर से कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन की भी है। सो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम रेनू से लिली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑथेंटराइज की? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन की है SSH। अगर हम यहाँ से यस करते हैं, सो देखिए हम जो है लिली में ट्रांसफ़र हो दे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन की सेफ है थी। सो अगर आप तो SSH के बारे में ज़्यादा पता है तो आप समझ सकते देते क्लाउड सेफ ये चीज़ें कैसे काम करती है। सो इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। SSH तो किस तरह कॉन्फिगर करते हैं, सर्वर में ऑथराइज थी कैसे पास हो रहा करते हैं। सो बेहतरी हम जो है अब लिली में ट्रांसफ़र हो दे। सो अब हम देखते हैं हमारे पास एज अ लिली 3 चीज़ों की परमिशन है। हम यहाँ पर तो एज अ सूडो रन कर सकते हैं अदर, सो देखिए अदर आप ये सीरीज तो फॉलो कर रहे हैं, सो आप तो इतना पता होगा कि कहीं VS पे हमें पाइथन स्टोर मिलती है और हम पाइथन की मदद से एज अ बैच सेल तो जो है वो स्पॉम करते हैं, तो सेम तेज हम पर साबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना होगा हम बैच सेल की ज़्यादा एक रूट सेल तो स्वाम तने की ट्राई करे रहे और ऐसा हम पर सूडो रन कर सकते हैं बाय लिली यूजर्स। तो हम इसे सिंपली ट्राई करते हैं सूडो। सो अब हम रूट में आ दे, सो इसीलिए क्योंकि लिली यूजर पर तो रन कर सकता था विदाउट एनी रूट परमिशन थे एज अ सुपर यूजर रन कर सकते। सो इसी की मदद से हमने एक रूट सेल तो स्वाम डाल दिया। सो अगर हम टाइप कर हो आए हम तो हम रूट है। सो अब हम अपना जो है अधूरा काम कम्प्लीट करते हैं विच इस रूट यूजर में जाते रूट डायरेक्टरी में जाते अपने फाइल तो रीड करना। सो वेट अ मिनट, अगर हम सीडी रूट में जाते हैं तो हमें यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सो वेयर इज अवर थर्ड फ्लैट LSIFN इतना हिडन तो नहीं है हमारा थर्ड फ्लैट? जी हाँ हिडन है था, फाइल तो रीड कर लेते हैं। सो तो रेजुलेशन यूज है सूरी कम्प्लीट मनी बॉस फाइनली रूट फ्लैग। सो हमें हमारा थर्ड फ्लैग भी मिल गया। सो इस तरह हमारा ये हैती चैलेंज भी कम्प्लीट हो गया।
सो ये VM बहुत ही अच्छी VM है थी, इसमें हमें काफ़ी नई चीज़ें सीखने तो मिली। FTP एनोनिमस के बारे में हमने सीखा, हाइड्रा के बारे में हमने सीखा थे, इस तरह SSH तो ब्रूट फोर्स करना है। सो ये चीज़ें आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर आप इस गलत इस्तेमाल करें दे इस नॉलेज का तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अते चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।